हमारा पिछले लेक्चर में हमने कैनोनिकल एंसेंबल को फिनिश किया था। इस नेक्स्ट टू लेक्चर्स में हम ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को कोशिश करेंगे कि फिनिश करें। अभी तक हमने ये देखा था कि माइक्रो कैनोनिकल जो एंसेंबल है उसमें एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं टोटल वो फिक्स रहते हैं और इसलिए वो डेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू रहती है, तो देयर आर नो फ्लक्चुएशंस। बट कैनोनिकल में हमने देखा था कि एनर्जी चेंज वेरी हो सकती है तो और नंबर फिक्स रहता है पार्टिकल्स का, सो दैट टेम्परेचर को एक फिक्स करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम हमारे जो एनर्जी के फ्लक्चुएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी क्वांटिटीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकली लेकिन जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें चाहे फिज़िक्स की हों चाहे केमिस्ट्री की हों, उन सिस्टम में पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं या फिर नए पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, और इसलिए जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो हम रियली जिनको हम ओपन सिस्टम्स कहते हैं उनके अंदर नंबर भी चेंज होता है और एनर्जी भी चेंज होती है। ये कुछ इस तरह का चीज़ है जैसे कि हम किसी एक सिस्टम को एक बड़े हीट रिजर्वायर में उसको रख दें और उसके अंदर वो बहुत एक्सचेंज करे पार्टिकल्स भी और एनर्जी भी। कुछ ऐसा है जैसे एक बंद बकेट में क्लोज बकेट में और उसके अंदर आप एक हॉट वाटर में गर्म पानी में ठंडे पानी को मिला दें छोटे, तो एक मग डाल दें बड़े सिस्टम में, तो इस तरह का कुछ सिस्टम जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है लेकिन उनका एक कॉमन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेन होता है और हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऐसे सिस्टम्स पे काम करती है। तो यहाँ पे जो इस तरह के जो बहुत सारे जो सिस्टम्स इस तरह से बनते हैं जैसा अभी बताया कि इसमें एक माली छोटा सिस्टम एक हीट रिजर्वायर में है जिसमें कि एन और ई एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसे सिमिलर सिस्टम्स को हम ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। तो हमारे को यहाँ अभी जो एम है वो होगा एक किट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें और उसके बाद कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ निकालें, और अल्टीमेटली क्योंकि एन और ई वेरी करेगा तो हमारे लिए जो क्वांटिटी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है तो हमारे लिए जो क्वांटिटी इजीली कैलकुलेटेबल होती है वो होती है डेंसिटी, नंबर डेंसिटी एन बाई वी। तो हम यहाँ नंबर डेंसिटी का फ्लक्चुएशन रो और एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो भी जनरेट करेंगे वो एनर्जी पे तो डिपेंड करेगा किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स की और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी करेगा, लेकिन जैसा आप कैनोनिकल में भी कहा था हमने अगर पूरा टोटल कंपोजिट सिस्टम लें जो कि आइसोलेटेड है डायबिटिकली आउटसाइड दूरी दुनिया से, तो ऐसे सिस्टम के लिए स्टिल क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एंड टोटल वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, देयरफॉर वो एक सिस्टम जो है अगेन माइक्रो कैनोनिकल की तरह ही बिहेवियर करेगा अगर पूरा एक कंपोजिट सिस्टम लेते हैं मिला के। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए हम एक सिस्टम ले रहे हैं जो एडियाबेटिकली आइसोलेटेड है और उसके अंदर एक जो सिस्टम है ए जिस पे हम सारा अपना कैलकुलेशन करना चाहते हैं जिसमें चेंज होगा उसकी एनर्जी ई वन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी संख्या एन वन है। इसी तरह जो बड़ा सिस्टम है हीट रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट बोलते हैं, वो सिस्टम के पार्टिकल्स की संख्या एन टू है, उसकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ ई टू, और हम ये मानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है रिजर्वायर के साथ, ए जो है वो बी के साथ एक इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली दे विल हैव अ कॉमन टेम्परेचर टी। इस पूरे सिस्टम के लिए जो एनर्जी असाइन करेंगे हम वो वैल्यू है ई ज़ीरो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल हो जाएंगे एन ज़ीरो। तो जैसा कैनोनिकल में भी देखा था एन वन प्लस एन टू विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पूरा सिस्टम आइसोलेट है तो टोटल नंबर विल बी एन ज़ीरो विच इज़ कॉन्स्टेंट, अगेन ई वन प्लस ई टू ई ज़ीरो वो भी कॉन्स्टेंट, और क्योंकि ए बहुत छोटा सिस्टम है कंपेयर टू बी इस वेरी में, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत कम है, एन वन इज़ वेरी मच लेस देन एन टू और ई वन इज़ वेरी मच लेस देन ई टू। और कंपोजिट सिस्टम जैसे बताया मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल अप्लाई करेंगे तो इस केस के अंदर जो प्रॉबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करना ईजी होगा क्योंकि टोटल एनर्जी में से हम
इसकी एनर्जी कोई भी आई है E1 प्लस E2, क्योंकि अंदर तो दोनों वेरी कर सकते हैं E1 E2, तो इसलिए उनमें फ्लक्चुएशन होगा, और जब फ्लक्चुएशन होता है तो वो मीन वैल्यू से होता है, और हम टोटल मानते हैं कि जो भी वैल्यू आती है वो मीन वैल्यू होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो यदि उनके फेज़ के जो वॉल्यूम्स हैं डी गामा वन डी गामा टू हैं उनके, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे को जो कैलकुलेशन रहेगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगी सिस्टम की टोटल की सी सम कांस्टेंट और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से E1 प्लस E2 माइनस ऑफ टोटल दी वैल्यू ऑफ दी एनर्जी ऑफ द सिस्टम E0 डी गामा वन डी गामा टू। अब ये जो प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रह जाए, तो एक चीज़ जो है वो फिक्स हो जाएगी। जैसे ENN में हम कहते हैं कि सिस्टम ए रहे, तो इसमें E1 की वैल्यू अब ENN हो जाएगी, और जो क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिक्स हो कर दी हमने कि वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी स्टेट में है, तो उसका जो वॉल्यूम है डी गामा वन, जिसको हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी से ही जानते हैं ऑफ फेस पॉइंट्स, तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि डेफिनेट प्रोबेबिलिटी इज़ मैक्सिमम 1। तो इसको अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि ये सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के n पार्टीशंस में अगर डिवाइडेड है तो वो कितने में रहेगा। तो nth क्वांटम स्टेट कह लें, या उसको कहें कि n नंबर ऑफ पार्टीशंस विद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हो जाएगा c, और इंटीग्रल क्योंकि समेशन करना है अब हमें डेल्टा E2 माइनस E0 माइनस E, इसको रीअरेंज करना है E2 क्योंकि बड़ा सिस्टम है, E0 माइनस E1 होना चाहिए, E1 को हमने NN से रिप्लेस कर दिया और G गामा 1 को 1 कर दिया। अब जैसे कैनोनिकल एंसेंबल में भी किया था, हमें D गामा 2 को एक्सप्रेस करना है, जिससे कि वो हम एंट्रोपी के फॉर्म में करेंगे, तो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स को रिलेट करना थर्मोडायनेमिक्स से ईजी हो जाएगा, और क्योंकि एंट्रोपी जो है वो दोनों सिस्टम्स में, चाहे माइक्रोकैनोनिकल लें कैनोनिकल लें और लें, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी जिसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू अगर E0 आती है अराउंड द मीन वैल्यू और N0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उनकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, और इसलिए एक सिंगल वैल्यू रहेगी। तो इस केस में भी हम ये मान के चलते हैं कि हम उससे कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो सेम ही होगी। तो इस केस के लिए हम डी गामा 2 को ले लेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन था, जैसे हमने पहले कैनोनिकल में भी किया था, मैक्रो कैनोनिकल में किया था, तो डी गामा को हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल S2 E2 N2 / K और अपॉन डेल्टा E2 and DE2। ये आप फॉर्मलिज्म माइक्रो कैनोनिकल से भी जो करवाया था उसमें भी ले सकते हैं, नहीं तो कैनोनिकल से भी ले सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको 2 में सब्सटीट्यूट कर दें, तो उससे रो एन एन की वैल्यू हमें डी गामा 2 को रखने पर एक्सपोनेंशियल S2, अब इसके अंदर E2 की वैल्यू को, क्योंकि E1 प्लस E2 E0 के बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं E0 माइनस E1 विच इज़ ENN, तो E0 माइनस ENN वैल्यू और N0 माइनस N2 की वैल्यू को भी चेंज कर दिया, और डेल्टा जो E2 है वो E0 माइनस ENN कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे E2 बहुत बड़ा सिस्टम था E1 के कंपैरिजन में, या B जो है बहुत बड़ा सिस्टम है BA के कंपैरिजन में, तो उसकी जो वैल्यू है वो E0 से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, और जब चेंज नहीं होगी तो एल्टा E का जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल होगा E0 माइनस ENN। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो सिर्फ टोटल के फ्लक्ट स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चेंज से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको हम डेल्टा E0 लिख सकते हैं। और ये जानते हैं क्योंकि E1 की या ENN की वैल्यू E0 से बहुत स्मॉल है, तो S2 जो है E0 माइनस ENN N0 माइनस N, वो S2 E0 N0 को लिख सकते हैं, माइनस ENN जिसके ऊपर डिपेंडेंस है, और डेल्टा S2 अपॉन E0 और N0 को कांस्टेंट रख के। और अब आप E0 को कांस्टेंट रखोगे तो N में वेरिएशन जो आएगा वो हो जाएगा डेल S2 अपॉन डेल N0, और N जो है वो इसका कंसर्न स्टेट का नंबर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि S2 जो है वो S2 E0 N0 एट मैक्सिमम वैल्यू माइनस ENN, क्योंकि डेल S अपॉन डेल E जो है वो 1/T होता है,
और डेल एस अपॉन डेल एम जो है वो म्यू बाई टी होता है, तो माइनस साइन के साथ, तो ये टर्म हो जाएगी एस टू माइनस ई एन एन अपॉन टी प्लस म्यू एन अपॉन टी। एंड सो इसको सब्सटीट्यूट करने पर रो की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एस टू की जगह आप ये वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा ए सम कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू एन माइनस ई एन एन बाई के टी। ये जो ए है ये हमारे सी एक्सपोनेंशियल एस टू ई ज़ीरो एन ज़ीरो बाई के एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा ई ज़ीरो है जो, और ये क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकलता है इसलिए इसको हम समेशन एन एन और रो एन एम वन से रिफ्लेक्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन है सिक्स, ये ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करता है और इसके अंदर जो ए क्वांटिटी है उसका वन अपॉन ए जो है उसको हम जैसा कैनोनिकल में कहा था, हमें एक नया ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन कहते हैं Z डैश और कैपिटल Z है विद अ डिफरेंट साइन जिसके अंदर एजेस पे हमने उसको मार्क किया है, तो इट इज़ लाइक जीटा। तो Z डैश इज इक्वल टू वन अपॉन ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्मॉल n, दोनों के ऊपर समेशन लेना है, नंबर स्टेट्स और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के ऊपर, एक्सपेंशन म्यू एन माइनस ई एन एम बाई के टी। ये किप्स पार्टीशन फंक्शन है और इससे हमने देखा था कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं अगर हमें पार्टीशन फंक्शन नोन हो तो हम बहुत सारी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स करना है तो इसकी वैल्यू जो है रो एन पी क्यू ए ई टू द पावर म्यू एन माइनस ई एन क्यू पी, क्योंकि यहाँ पे कैनोनिकल वेरिएबल्स लेते कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं तो क्यू पी पे डिपेंडेंस होगा और तो नंबर ऑफ स्टेट्स की जगह यहाँ पे आपके जो है वो क्यू और पी से रेगुलेट होगा और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो समेशन ओवर एन और रो एन डी क्यू डी पी वन, और इसी तरह जो पार्टीशन फंक्शन है उसको भी आप चेंज कर देंगे समेशन एन कैपिटल और ई म्यू एन बाई के टी, और जो इंटीग्रल है उसके अंदर ई एस माइनस क्योंकि पी क्यू पे डिपेंडेंस है तो उनसे रिफ्लेक्ट होगा ये। तो अब जैसे वहाँ हमने गिब्स पैराडॉक्स देखा था तो यहाँ पे भी हम उस तरह का कैलकुलेशन अब अवॉइड करेंगे और ये देखेंगे कि क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि अगर इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी अगर निकालनी अब कि दो के बीच में भेद नहीं करें और सभी जो स्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल संभावित हों तो उन केसेस के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन से क्या होगा कि आप उसको n फैक्टोरियल से एक तो डिवाइड कर दें और दूसरा उसका जो मिनिमम वॉल्यूम है h क्यूब आएगा तो n नंबर ऑफ पार्टिकल h थ्री n से डिवाइड कर दें पूरे को फंक्शन को, तो हमारा ये करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है एंट्रोपी का भी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का भी। तो इसमें जो रो n n m है वो हो जाएगा वन अपॉन n फैक्टोरियल h थ्री n z डैश और ई म्यू एन माइनस ई एन क्यू पी आई के पी। तो ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन होगा इक्वेशन नंबर 13 जो कि गिब्स पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट करेगा जिसके अंदर की हम पार्टिकल्स की इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी और दूसरा उनकी इक्वली प्रोबेबिलिटी स्टेट्स या इक्वलेंस जो हैं सभी स्टेट्स की प्रॉबिलिटी बराबर हो वो उसको देगा। अब इससे अगर हम पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट